हुआ है, आप देखो तो उसको। अरे है भाई, रानी कुंदन गुड मॉर्निंग, अमित गुड मॉर्निंग। धीरज हाँ हुआ है 8 जून वाला, 7 तारीख वाला कहाँ था, 7 तारीख का कहाँ हुआ क्लास भी। जिसको कंप्लीट करना हो कर लो। अब जिसको भी कोई मैसेज करना, कोई भी कुछ बताना हो मैसेज करके बताए, क्योंकि मैंने सबको म्यूट कर दिया है। ठीक है, तो चलिए क्लास आज शुरू करते हैं। आज आपको हम अदिति तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास है, कल मैंने एक आपको वीडियो भेज दिया था, यूट्यूब वाला वीडियो जो ऑलरेडी पहले पढ़ा चुके हैं, वो था मैंने कल आपको पढ़ाना, कल मुझे था यूरोपी कंपनी, और उस यूरोपी कंपनी में मैंने आपको एक दो वीडियो भेजे थे, और दो वीडियो जो थे वो पुर्तगालियों के थे। पुर्तगाली को आपको यूट्यूब पर देखना है, वो यूट्यूब पे ऑलरेडी मैं पहले बना चुका था, जिसको मैंने आप लोग को भेज दिया है। आप लोग उसको दोनों को ही पूरा, क्योंकि वो दो हिस्सों में बट गया था, पूरे उसको जो है आपको विधिवत जो है नोट्स बना लेना है। अब उसके बाद जो अगला वीडियो जो क्लास चलेगी, जिसका वीडियो बन रहा है, वो है आपका डच कंपनी। कौन सी कंपनी है? डच कंपनी, याद कर लीजिएगा, डच कंपनी। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि उस वीडियो मैंने आपको बताया कि कुल चार पांच कंपनी मैंने बताई थी, लेकिन मुख्य चार ही हैं। इसमें से मैंने आपको एक बताई थी कंपनी, आपने अगर वीडियो देखा होगा, आपने अगर उसका नोट्स बनाया होगा, तो पहली कंपनी मैंने आपको बताई पुर्तगाली, उसमें बताई थी। पुर्तगाली के बाद मैंने उसमें आपको बताया है डच, डच के बाद मैंने आपको बताया है अंग्रेज, अंग्रेज के बाद यानी ईस्ट इंडिया कंपनी, फिर उसके बाद मैंने बताया है आपको डेनिश, फिर फ्रांसीसी। ये पांच कंपनियां मैंने आपको बताई थी। तो उन पांच कंपनियों में से एक कंपनी जो दूसरी कंपनी, उस कंपनी का नाम है डच कंपनी। तो डच वास्तव में, जो डच जो कौन है, डच जो है वास्तव में ये हॉलैंड के ये निवासी है, ये देश है हॉलैंड, जिसे वर्तमान में हम लोग कहते हैं, इसे वर्तमान में कहते हैं, हम लोग कहते हैं नीदरलैंड। इसे वर्तमान में क्या कहते हैं? इसे वर्तमान में नीदरलैंड कहते हैं।
यानी हॉलैंड को ही वर्तमान में हम लोग नीदरलैंड के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो डच हॉलैंड के निवासी थे, या कह लिए डच नीदरलैंड के निवासी थे, बात एक ही है, ठीक है। तो डच हॉलैंड के निवासी थे, ये लोग भी भारत और पूर्वी देश है, किसके साथ है? ये लोग भी भारत प्लस पूर्वी देश है, पूर्वी देश के साथ, देश के साथ ये व्यापार व्यापार करना चाहते थे, व्यापार करना चाहते थे। अब ये तो आपका हो गया भारत का दक्षिण हिस्सा वाला, जिससे आपको ये ऐसे करके ये पूरा भारत है ऐसे बनेगा, ये भारत बन गया पूरा। तो ये जो भारत, तो ये तो आपका हो गया टोटल भारत, और पूर्वी देश भारत के पूर्वी देश ये कहलाएंगे, जैसे ये श्रीलंका ये है, ये आपका क्या है, ये आपका श्रीलंका है ना, ये जावा, ये सुमात्रा है ना, ये इंडोनेशिया, ये क्या है, इंडोनेशिया, नेशिया है ना, और ये आपका भारत के ऊपर हिस्से में क्या है, इसके ऊपर जब भारत उधर निकल जाएंगे तो हमारा चीन है ना। तो ये आपका क्या है, ये पूरा जो है एक भारत, इसको कहेंगे भारत, और ये कहेंगे पूर्वी देश, ये कौन से कहलाएंगे, भारत के पूर्व में है। तो ये वाले जो देश है जैसे जावा, सुमात्रा, इंडोनेशिया, लंका, ये सब भारत के पूर्वी देश है, और ये भारत का ये हिस्सा जो इतना हिस्सा, ये वाला हिस्सा जो है, ये वाला हिस्सा क्या, ये भारत का दक्षिण भाग है ना, ये भारत का क्या है, ये दक्षिणी भारत है, ये आपका दक्षिणी भारत है। अब इसी दक्षिण भारत में बहुत सारे हैं यहाँ पर, और ये मैंने आपको बताया था क्या, ये मालाबार तट बताया था, ये उत्तरी सरकार बताया था, और ये पूरा यहां से यहां तक क्या है, इसको कहते हैं कोरोमंडल, क्या कहते हैं इसको, कोरोमंडल है ना, और कोरोमंडल के अंदर ही आता है यहां पर, इसी के अंदर ही आता है गोलकुंडा में मसूलीपट्टम, मसूलीपट्टम याद कर लीजिएगा, ये सब आपके दक्षिण वाले क्षेत्रों में अंदर आते हैं। तो दक्षिण में ज्यादातर क्या होता है, गरम मसाला यहाँ पैदावार आदि बहुत होती है, जैसे आपका छोटी इलायची, बड़ी इलायची, दालचीनी है ना, जायफल, ये सब क्या, ये गरम मसाले के अंदर आने वाली जो है वस्तुएं हैं। इन वस्तुओं की मांग विदेशों में बहुत होती है, क्यों होती है, क्योंकि जो विदेश जो है वो आपका यूरोप है, और यूरोप जो है वो ठंडा प्रदेश है, और ठंडे प्रदेश में अपनी बॉडी को गर्म रखने के लिए वो मांस मच्छी का सेवन करते हैं, और मांस मच्छी का सेवन करेंगे तो सीधी सी बात में गर्म मसाले का प्रयोग अधिक किया जाएगा, इसीलिए भारत के दक्षिण वाले क्षेत्रों से ये लोग व्यापार करना चाहते हैं, यानी कहेंगे भारत ही कहेंगे, लेकिन भारत के किस क्षेत्रों में, दक्षिण वाले क्षेत्रों से व्यापार करना चाहेंगे, क्योंकि यहां से गर्म मसाले की व्यापार बहुत होती है। लेकिन इससे पहले जो पुर्तगाली थे, पुर्तगालियों ने गर्म मसाले पर अपना ध्यान दिया, डचों ने भी गरम मसालों पर ध्यान दिया, लेकिन डचों ने गरम मसाले के साथ साथ वस्त्रों पर भी ध्यान दिया। इन्होंने, ये पहली कंपनी थी जिसने भारत से वस्त्र के निर्यात की शुरुआत की थी, किसने की थी, डचों ने ही सबसे पहले किसका निर्यात करना शुरू किया था, वस्त्र का निर्यात करना शुरू किया। वस्त्र के साथ साथ दूसरी कौन सी वस्तु थी, नील, नील आप लोग जानते होंगे, नील जो कपड़े में नील डाली जाती है, जो जिससे नीला, जिससे व्हाइटनेस आ जाती है, या हम लोग पुताई करने में डालते हैं, तो नील और वस्त्र का भी इन्होंने व्यापार किया है, ठीक है ना, नील और वस्त्र का भी इन्होंने व्यापार किया, लेकिन पुर्तगाली टोटल गरम मसाले पर ही उसका केंद्र थी, और ये कंपनी क्या है, गरम मसाले के साथ साथ वस्त्र और नील पर भी ध्यान देती थी। इस कंपनी का नाम क्या है, डच कंपनी, जिसको हम कहते हैं कौन सी, कहाँ की है, नीदरलैंड की कंपनी, यानी हॉलैंड की कंपनी कह सकते हैं आप। तो इस तरह से डच जो है वो भारत और पूर्वी देशों के साथ वो व्यापार करना चाहते थे, ठीक है ना। तो क्लियर हो गया आपको कि भारत और पूर्वी देश कौन कौन से हैं, ठीक है। तो डच लिख सकते हैं, डच भारत और पूर्वी देशों के साथ व्यापार करना चाहते, किस दिशा में, सबसे पहला प्रयास जो है वो हॉलैंड का एक स्थान है जिसका नाम है एम एस टर्डम, ये स्थान है, एम एस टर्डम के व्यापारियों ने
एमस्टर्डम के व्यापारियों ने भारत व भारत के पूर्वी देशों भारत व भारत के पूर्वी देशों के साथ साथ ठीक है ध्यान देना साथ 1552 में व्यापार करने का प्रयास किया लेकिन सफल नहीं हुए, मैंने क्रॉस कर इसका मतलब सफल नहीं हुए। तो एमएस कार्ल्टन के व्यापारियों ने भारत व पूर्वी देशों के साथ 1552 कितना लिखा 1552 में व्यापार करने का प्रयास किया लेकिन ये लोग सफल नहीं हुए। उसके बाद फिर से एक बार हॉलैंड के व्यापारियों ने फिर से एक बार प्रयास किया, अब की का प्रयास किया तो 1565 में 1565 में हॉलैंड के व्यापारियों ने रूस के साथ व्यापार शुरू किया। किसके साथ व्यापार शुरू किया? रूस के साथ व्यापार शुरू किया, ठीक है, रूस के साथ व्यापार करना शुरू किया और तथा साथ ही चीन की ओर से मार्ग मार्ग ढूंढने लगे। यानी वो भारत पे व्यापार करना चाहते थे तो जो चीन वाला हिस्सा ऊपर का चीन का हिस्सा है तो वो चीन की ओर से रास्ते से भारत की ओर आना चाहते थे और इसलिए इन्होंने 1565 में किससे व्यापार शुरू किया? रूस से व्यापार शुरू किया। क्लियर हो रहा है आप लोग को? चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। पंद्रह सौ तिरानवे में ध्यान देना 1593 में विलियम वारंतस नामक व्यापारी पूर्वी देशों के साथ साथ सफलतापूर्वक व्यापार किया। मैंने क्या लिखा है? कौन? विलियम वारंतस नामक एक व्यापारी पूर्वी देशों के साथ सफलतापूर्वक व्यापार किया, ठीक है। आगे लिखोगे इसकी सफलता से उत्साहित होकर एक विद्वान जिसका नाम था वान लिसातन। क्या नाम था? जिसका नाम था वान लिसातन, ध्यान रखिएगा ठीक है, जिसका नाम था वान लिसातन ने ने एक पुस्तक लिखी। क्या लिखी पुस्तक का नाम? उस पुस्तक का नाम था लिसातन टू द ईस्ट इंडीज। उस पुस्तक का नाम था लिसातन उस पुस्तक का नाम था लिसातन टू द ईस्ट इंडीज। एक पुस्तक लिखी लिसातन टू द ईस्ट इंडीज। कौन सी पुस्तक लिखी? लिसातन टू द ईस्ट इंडीज। ये जो पुस्तक लिसातन टू द ईस्ट इंडीज पुस्तक लिखी, ये पुस्तक में भारत और पूर्वी देशों के व्यापार का उल्लेख मिलता है। इसमें क्या लिखेंगे? इस पुस्तक में भारत व पूर्वी देशों के
मार्गों का, व्यापार नहीं, मार्गों का उल्लेख मिलता है, मिलता है। यह पुस्तक कब लिखी गई थी? ये 1595 में की पुस्तक लिखी गई थी। इसमें पूरे मार्ग का उल्लेख लिखा है कि कौन सा मार्ग किधर से आपको जाना है, जो भारत और पूर्वी देशों में पहुंच जाओगे। उस पुस्तक का नाम है लिसातन टू द ईस्ट इंडीज। किसने लिखी थी? वान लिसातन ने लिखी थी। इसमें क्या उल्लेख है? भारत व पूर्वी देशों के मार्गों का उल्लेख मिलता है। ये पुस्तक कब लिखी गई? 1595 में। किस भाषा में लिखी गई? तो कहेंगे हॉलैंड की भाषा में इसको लिखा गया। क्या लिखेंगे? हॉलैंड की भाषा में इसको लिखा गया। और 1598 में, 1596 में नहीं, 1598 में इसका अंग्रेजी भाषा में इसका अनुवाद हुआ। ध्यान रखना, नोट कर लें, 1598 में इसका अंग्रेजी भाषा में अनुवाद हुआ था। ठीक है, 1598 में इसका अंग्रेजी भाषा में अनुवाद हुआ था। क्लियर हो रहा है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। पंद्रह सौ छियानवे में कार्नेलियस डी हाउटमैन, याद कर लीजिएगा, कार्नेलियस 1596 में कार्नेलियस डी हाउटमैन, ठीक है, कार्नेलियस डी हाउटमैन ने भारत, ठीक है, कार्नेलियस डी हाउटमैन ने भारत प्लस पूर्वी देशों के साथ सफलता पूर्वक व्यापार करके चला गया। तो भारत में आने वाला पहला डच यात्री कौन था? तो कार्नेलियस डी हाउटमैन, याद कर लीजिएगा, भारत में आने वाला पहला डच यात्री कौन था? तो कार्नेलियस डी हाउटमैन, जो भारत में सबसे पहले आया और व्यापार करके चला गया था। कंपनी के रूप में नहीं आया था, ऐसे ही आया था, समझ रहे हैं? तो इस तरह से कार्नेलियस डी हाउटमैन भारत और पूर्वी देशों से व्यापार करके जब यहां से चला गया, ध्यान देना, जब यहां से व्यापार करके चला गया तो पता चला, अरे ये तो व्यापार करके आ गया है। तो क्या हुआ? ये तो व्यापार करके आ गया है, तो इसलिए हॉलैंड की छोटी छोटी कंपनियां स्थापित हो गई। ध्यान देना, क्या हो गया? हॉलैंड की छोटी छोटी कंपनियां स्थापित हो गई, ठीक है, और ये छोटी छोटी कंपनियां 1602 तक, ठीक है, अनेक अनेक छोटी 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 कंपनियां, ध्यान देना, अनेक छोटी छोटी कंपनियां व्यापार करके चली गई। इस तरह से 15 बार व्यापार करने आई, यानी 1602 तक ये लोग 15 बार आ चुके थे छोटी छोटी कंपनी के रूप में। अलग अलग व्यापारी जो थे अपनी अपनी कंपनी बना करके आ गए। तो इस प्रकार से हॉलैंड की सरकार ने देखा कि ये लोग जो हैं सब अलग अलग जा रहे हैं, तो क्यों ना सबको मिलाकर के एक कंपनी बना दी जाए, क्यों ना सबको मिलाकर के एक कंपनी बना दी जाए। तो मार्च 1602 में, वो समय कौन था? 20 मार्च 1602 में हॉलैंड की सरकार ने सभी कंपनियों को मिलाकर
एक नई कंपनी बनाई, यानी सभी कंपनियों को मिलाकर के एक नई बड़ी कंपनी बना दी। उस कंपनी का नाम आइए बताते हैं, तो 1602 में, यानी 20 मार्च 1602 में जो नई कंपनी बनी, यानी जो बड़ी कंपनी बनी, उस बड़ी कंपनी का नाम यूनाइटेड यूनाइटेड ईस्ट इंडिया यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ दी नीदरलैंड नीदरलैंड। इस कंपनी का नाम क्या है? यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ दी नीदरलैंड। याद कर लीजिएगा, ये बड़ी कंपनी का नाम था यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ दी नीदरलैंड, या इसको कह सकते हैं या डच ईस्ट इंडिया कंपनी, या कह सकते हैं इसको डच ईस्ट इंडिया कंपनी भी कह सकते हैं। को लेकिन क्वेश्चन पूछा जाता है कि डचों की कंपनी कब स्थापित हुई और उस कंपनी का पूरा नाम क्या था। तो डच कंपनी 1602 में स्थापित हुई। कब स्थापित हुई? 1602 में। उस कंपनी का नाम था यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ द नीदरलैंड। ये कंपनी क्या कहलाई? डच ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से भी जानी जाती है। क्वेश्चन पूछते हैं अक्सर, तो ध्यान रखना, नीदरलैंड को ही हम हॉलैंड या हॉलैंड को ही नीदरलैंड कहते हैं, इसीलिए इस कंपनी का नाम यूनाइटेड, मतलब सभी को मिला दिया गया, ठीक है, तो सभी कंपनी मिलाकर के इसका नाम रखा यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ दी नीदरलैंड। ये कंपनी कब स्थापित हुई? 20 मार्च, याद कर लीजिएगा, 20 मार्च 1602 में, ठीक है, 1602 में। ये कंपनी क्या कहा गया इस कंपनी को, जब ये कंपनी स्थापित हुई 1602 में, तो इस कंपनी का जो संस्थापक था, यानी इस कंपनी का जो संस्थापक था, उसका नाम था, ध्यान रखना, उसका नाम था जॉन, उसका नाम था पूरा नाम जोहान वान। इस कंपनी का जो संस्थापक था उसका नाम था जोहान वान। याद कर लीजिएगा, डच कंपनी या यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी का संस्थापक था जोहान वान। ये कंपनी हॉलैंड की सरकार के अधीन थी और इसमें 17 व्यक्तियों का एक समूह था जो संचालित करता था, जो समूह कहने यानी बोर्ड, एक बोर्ड था, 17 व्यक्तियों का एक बोर्ड था, सरकार सरकार के अधीन था। सरकार ने इनको निर्देश दिया था कि ये कंपनी आप चलाओगे, लेकिन लेकिन आपको कितना पूंजी दी जाती है, तो इनको 65 गिल्डर, ध्यान देना, 65 गिल्डर, गिल्डर ये पूंजी है, 65 गिल्डर इनको कितना है, 65 ही है ना, 65 लाख, 65 लाख लाख गिल्डर ये पूंजी इनको दी गई कि आप वहां से व्यापार करना शुरू करें, और साथ में अनुमति भी दी गई कि ये व्यापार आप, ये अनुमति आपको दी जाती है। तो क्या अनुमति इनको दी गई, इनको इस कंपनी को क्या क्या अनुमति दी गई, ध्यान देना, इस कंपनी को जो अनुमति दी गई, पर नंबर एक, डच कंपनी को व्यापार करने की अनुमति, नंबर नेक्स्ट, व्यापार करने की अनुमति,
संधि करने की अनुमति, युद्ध करने की अनुमति, युद्ध करके व्यापार कर सकते हो, व्यापार करने की अनुमति, संधि करने की अनुमति, युद्ध करने की अनुमति। नेक्स्ट, क्षेत्र विस्तार करने की अनुमति, इसी तरीके से संधि करने की, युद्ध करने की, क्षेत्र विस्तार करने की, और जो व्यापारिक कोठियां हैं स्थापित करने की अनुमति। क्या? व्यापारिक कोठियां स्थापित करने की अनुमति, यानी कि आप व्यापार कर सकते हो, अगर व्यापार करने में कोई रोकता है तो युद्ध कर सकते हो, संधि भी कर सकते हो, आप क्षेत्र विस्तार कर सकते हो, व्यापारिक कोठियां यानी जहां माल गोदाम होता है, जिसको हम लोग कहते हैं इनकी पहली फैक्ट्री, जिसको फैक्ट्री कहते हैं, स्थापित कर सकते हो। ये सब जो है अनुमति इनको दी गई कि कौन कौन सी अनुमति, ठीक है, और क्या है, ये सब इनको अनुमति दी गई। और साथ में ये व्यापार करने की अनुमति कितने वर्ष दी जाती है आपको? 21 वर्ष तक व्यापार करने की आपको अनुमति दी जाती है। कितने वर्ष दी जाती है? ध्यान रहा, 21 वर्ष तक की, 21 वर्ष तक की आपको व्यापार करने की अनुमति दी जा सकती है। ये बात ईस्ट इंडिया कंपनी ने, वो सॉरी, ये जो है इंग्लैंड की, सॉरी हॉलैंड की सरकार ने ये अनुमति दी कि आप व्यापार कर सकते हो। तो ये कंपनी बनी कब? 1602 में। तो ये कंपनी सबसे पहले भारत नहीं आई, सबसे पहले ये इंडोनेशिया, ठीक है। सबसे पहले ये कंपनी 1602 में, कंपनी यानी डच कंपनी, डच कंपनी इंडोनेशिया गई। कहाँ गई? इंडोनेशिया, इंडोनेशिया गई। 1602 में डच कंपनी इंडोनेशिया गई, वहां से इसने कौन सा व्यापार शुरू किया? इंडोनेशिया से मसाले का व्यापार शुरू किया। क्या शुरू किया? यहां से गरम मसाले का व्यापार शुरू किया। और इसलिए मैंने क्या, इस किसका आया हुआ है? इंडोनेशिया का। इसलिए इंडोनेशिया को डचों ने मसाला, क्या नाम रखा? मसाला द्वीप पुंज। किसका नाम? इंडोनेशिया का नाम मसाला द्वीप पुंज रखा। क्यों? क्योंकि यहां से ये क्या, यहां से ये लोग मसाले का व्यापार कर रहे हैं। ध्यान रखना, मसाला द्वीप पुंज, मेरी बात ध्यान रखना, मसाला द्वीप पुंज। किसका नाम रखा? इंडोनेशिया। किसने रखा? डचों ने रखा। तो डचों का व्यापार धीरे धीरे बढ़ने लगा। 2 साल में इनका व्यापार अच्छा खासा हो गया था, 2 साल में इनका व्यापार अच्छा खासा, यानी 1602 और दो और जोड़ देंगे तो 1604। और इंडोनेशिया में एक मसाले का जो केंद्र था, मसाले का जो केंद्र था इंडोनेशिया में, मसालों का जो केंद्र था जहां मसाला ज्यादा होता था, वो केंद्र था अम्बुआइना। उसका नाम क्या था? अम्बुआइना। ये इंडोनेशिया का ये केंद्र था अम्बुआइना। तो ध्यान रखिएगा, 1604 वहां पर ऐसा नहीं कि जब व्यापार करने गए थे तो कोई अकेले व्यापार कर रहे थे, तो वहां कोई था नहीं, वहां पर पुर्तगाली पहले से ही व्यापार कर रहे थे, ठीक है। क्लियर हो रहा है? वहां व्यापारी जो थे, वहां पर व्यापारी पहले से ही व्यापार कर रहे थे। वहां पर ध्यान देखना, पुर्तगाली, पुर्तगाली इंडोनेशिया में
पहले से ही व्यापार कर रहे थे, यानी इंडोनेशिया में पुर्तगाली पहले आए थे भारत में, तो पुर्तगाली भारत के साथ साथ वो इंडोनेशिया में व्यापार करते थे, तो पुर्तगाली पहले से ही स्थापित थे वहां पे, पहले से स्थापित थे। तो 2 साल तक तो डचों ने अपना जो है उन्होंने वेट किया, और जब ये 2 साल के अंदर ये मजबूत हो गए तो डचों ने पुर्तगालियों पर आक्रमण कर दिया, जिसे हम अम्बोयना का युद्ध, अम्बोयना का प्रथम युद्ध, अम्बोयना का प्रथम युद्ध क्या हुआ, 1600, हम 1600 चल रहे हैं, 1604 में, 1604 में, 1602 में थे ना स्थापित हुई, तो 1604 में अम्बोयना का पहला युद्ध हुआ, ध्यान देना, 1604 में, 1604 ही है ना, 1604 में अम्बोयना का पहला युद्ध हुआ, ठीक है, बिल्कुल सही। तो अम्बोयना का 1604 में प्रथम युद्ध हुआ, किसके बीच में हुआ, डच और पुर्तगाली के बीच में, डच और पुर्तगालियों के बीच में हुआ, डच जो है विजयी हुए और पुर्तगाली पराजित हुए, और पुर्तगालियों को वहां से इन लोगों ने निकाल दिया, और डच अकेले व्यापार करने लगे अम्बोयना से, अम्बोयना का एक छत अधिकार हो गया था डचों का, डच व्यापार करते रहे तो कोई दिक्कत नहीं हुई, जिसे अम्बोयना का युद्ध के नाम से जानते हैं। अब डचों ने ध्यान दिया भारत की तरफ कि अब हम इंडोनेशिया के साथ साथ भारत पर ध्यान दें, तो डच भारत में कब आए, वो समय है 1605। मैंने कल वाले वीडियो, अगर आप पास मैंने यूट्यूब पर जो दिया था उसमें लिखा है कि डच 1605 में अंग्रेज आए थे, ठीक है, डच भारत में 1605 में आए थे, तो उसमें आपने देखा होगा, तो 1605 में डच भारत आए, कहाँ आए, ये लोग सबसे पहले दक्षिण भारत के गोलकुंडा में मसूलीपट्टम, ध्यान देना, 1605 में डच भारत आए, दक्षिण भारत के गोलकुंडा में मसूलीपट्टम आए, और वांदेर वांदेर हेग, इसके वांदेर हेग के नेतृत्व में अपनी पहली फैक्ट्री, ध्यान देना, पहली फैक्ट्री स्थापित की। तो ध्यान रखना, डचों की पहली फैक्ट्री कब स्थापित हुई, कहां हुई, तो कहेंगे मछलीपट्टनम में, कब स्थापित हुई, 1605 में, किसके नेतृत्व में स्थापित हुई, तो वांदेर हेग के नेतृत्व में। तो डचों की पहली फैक्ट्री कहाँ है, तो कहोगे आप डचों की पहली फैक्ट्री वांदेर हेग में। पीछे अगर आपने पढ़ा होगा, ध्यान देना, अगर आपने पीछे पढ़ा होगा, मैंने कल जो वीडियो भेजा था तो उसमें लिखा कि पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री जो स्थापित हुई कोचीन में स्थापित हुई थी, 1503 में कोचीन में इनकी पहली फैक्ट्री स्थापित हुई थी। तो डचों की पहली फैक्ट्री 1605 में कहां, मछलीपट्टनम, याद कर लीजिए अगर क्वेश्चन आते हैं, मछलीपट्टनम में इनकी पहली फैक्ट्री किसके नेतृत्व में, कहोगे वांदेर हेग के नेतृत्व में इनकी पहली फैक्ट्री स्थापित हुई। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसके बाद 1605 से लेकर के 1610 तक,
अनेक इनकी अनेक फैक्ट्री स्थापित हुई, जैसे जैसे कौन कौन सी, ध्यान देना, जैसे इनकी जैसे स्थापित हुई पित्त पोली, पित्त पोली ये कहलाता है इसका स्थान निजाम पत्तम, निजाम पत्तम इसको कहते हैं, निजाम पत्तम। नाम क्या दिया इसका, नाम पेचपोली। दूसरा सेंट डेविड, सेंट डेविड स्थान है ये, क्या नाम है पूरा नाम, सेंट फोर्ट, सेंट डेविड फोर्ट, फोर्ट सेंट डेविड, डेविड इसका नाम था देवपत्तम। क्या नाम इसका रखा, इसका नाम था देवपत्तम। ये फैक्ट्रियां स्थापित थी 1605 से 1610 के बीच में, लेकिन जो इनकी सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट्री स्थापित हुई वो 1610 में इनकी महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण फैक्ट्री जो स्थापित हुई वो 1610 में कहां पर, पूलीकट में। इनकी 1610 में जो स्थापित हुई महत्वपूर्ण फैक्ट्री थी पूलीकट में, और पूलीकट इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पूलीकट जो है वो डचों का मुख्यालय बना। क्या बना ये डचों का, ये डचों का मुख्यालय क्या बना, ये डचों का मुख्यालय बना। तो डचों का मुख्यालय कौन था, पूलीकट। ध्यान रखना डचों का मुख्यालय कब है, पूल कब स्थापित हुआ, तो कहेंगे 10 में, और इनकी फैक्ट्री स्थापित हुई यही इनका मुख्यालय भी बना, और यहीं पर डचों ने सिक्के भी डाले, इसी मुख्यालय से ही, यानी पूलीकट में ही मुख्यालय ने डचों ने सिक्के काहे के थे, सोने के, सोने के सिक्के ढालना, ढालना का मतलब होता है यहां पर टकसाल स्थापित किया, यहां पर ढालना शुरू किया, और उन सोने के सिक्कों, क्या उन सोने के सिक्कों कहते थे पैगोडा, सोने के डचों के सोने के सिक्कों क्या कहते थे, पैगोडा कहते थे। देख लीजिए इसको, नोट कर लीजिए, मैंने ये कहा है कि 1610 में पूलीकट में डचों ने अपना मुख्यालय स्थापित किया, और डचों ने ही यहीं से सिक्के, सोने सिक्के ढाले, यानी टकसाल स्थापित करा करके सोने सिक्के ढाले, और उन सोने सिक्कों क्या कहते हैं, पैगोडा कहते हैं। इसको नोट कर लें फटाफट, मैं आगे मिटाता हूँ। ठीक है, सोलह सौ सोलह में इन्होंने अपनी फैक्ट्री फैक्ट्री सूरत में अस्थायी स्थापित की। कैसी, मैंने कहा अस्थायी, स्थायी नहीं, अस्थायी स्थापित की। इस फैक्ट्री को स्थायित्व तो, इस फैक्ट्री को स्थायित्व तो 1617 में मिला, किसके नेतृत्व में, तो आप कहोगे वान रेवेस्टन के नेतृत्व में। किसके, वान रेवेस्टन, रेवेस्टन के नेतृत्व में, वान रेवेस्टन के नेतृत्व में 1617 में सूरत को स्थायित्व मिल गया। पहले स्थापित था भी 16 में, सूरत में फैक्ट्री स्थापित हुई, लेकिन स्थायित्व इसको कब मिला, 1617 में, किसके नेतृत्व में, वॉन रेवेस्टन के नेतृत्व में ये फैक्ट्री स्थापित हुई। इसी तरह से इन्होंने कुछ अन्य स्थानों पर अपना स्थापित
क्षेत्र स्थापित किया। ऐसे में इनो लोगों ने जिब्राल्टर, जो आप ईरान की उधर रास्ते जाते हैं, जिब्राल्टर की खाड़ी को पार करते हुए इन्होंने एक नए क्षेत्र को विजित किया और उसका नाम था जकार्ता। ठीक है, उस नए क्षेत्र का नाम था जकार्ता। सोलह सौ उन्नीस में इन्होंने किस पर स्थापित किया, जकार्ता, याद कर लीजिएगा, जकार्ता को विजित किया। जकार्ता आप चाहो तो आप गूगल पे सर्च करके देख लो कि जकार्ता है कहाँ, आपको पता चल जाएगा। 1619 में जकार्ता को विजित किया। जकार्ता को विजित करने के बाद यहां पर इन्होंने अपना एक केंद्र मुख्यालय यानी व्यापार का मुख्यालय, यहां पर व्यापार का और राजनीतिक का मुख्यालय स्थापित किया। और वो स्थान कौन सा था जकार्ता का, उस स्थान का नाम था बटेविया। एक नया नगर स्थापित किया, बटेविया, बटेविया नगर। कौन सा नगर, बटेविया नगर। इनका क्या हो गया, इनका व्यापारिक केंद्र, इनका राजनीतिक केंद्र, अंतरराष्ट्रीय स्तर का इनका व्यापारिक और राजनीतिक केंद्र बना। याद कर लीजिएगा, भारत का इनका केंद्र था कौन सा, पुलिकट, लेकिन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जहां से सारा माल हर देशों में जाता था वो कौन था, बटेविया नगर। बटेविया नगर कहां था, जकार्ता में था, ये इनका मुख्यालय। सारा माल यही इकट्ठा होता था, कि जो माल पहले, जितना माल आता था पहले यही इकट्ठा होता था, यहां इकट्ठा होकर के फिर अन्य देशों को बेचा जाता था। तो ऐसे में क्या क्या चीजें बटेविया नगर को निर्यात की जाती थी, भारत से क्या क्या चीजें जो है बटेविया नगर को निर्यात होती थी, जरा इसको देख लेते हैं। ठीक है, बटेविया को निर्यात की जाने वाली वस्तुएं, निर्यात का मतलब है कि यहां से भेजी जाती हैं, आयात का मतलब है मंगाई जाती हैं, निर्यात का मतलब भेजना होता है। तो क्या क्या चीजें भेजी गई बटेविया को निर्यात की जाने वाली वस्तुएं, भारत के किन हिस्सों से क्या क्या चीजें जा रही थी, तो आइए देखते हैं क्या क्या चीजें जा रही थी। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि क्या क्या चीजें गया, जिससे मध्य भारत से, मध्य भारत से, यहां से नील, मध्य भारत से नील, और क्या जाता है, मध्य भारत से नील जाता था और मध्य भारत से कच्चा रेशम, नील और कच्चा रेशम, ये चीजें निर्यात होती थी कहां से, मध्य भारत से। आगे ध्यान दे, मसूलीपट्टनम से क्या होता था, मसूलीपट्टनम से भी नील जाता था, मसूलीपट्टनम जो, और क्या जाता था, यहां से भी नील ही जाता था। फिर इसके बाद देखते हैं बिहार बंगाल से क्या जाता था, बिहार और बंगाल से क्या जाता था, बिहार बंगाल से शोरा, ध्यान देना, शोरा मतलब जो बारूद में मिलाते हैं शोरा, तो यहां से शोरा जाता था, और क्या जाता था, नमक, शोरा और नमक, शोरा और क्या होता था यहां से निर्यात, नमक। गंगा घाटी क्षेत्र से क्या जाता था, गंगा घाटी क्षेत्र से जाता था अफीम, और कोरोमंडल तट से क्या क्या जाता था, यहां से चावल हीरा और दास, यहां से क्या क्या निर्यात होता था, चावल, हीरे और दास, दास मतलब गुलाम, यहां से ये इतनी चीजें निर्यात होती थी। फिर एक बार ध्यान दें, मध्य भारत से नील कच्चा रेशम, मछलीपट्टनम से नील, बिहार बंगाल से शोरा नमक, और गंगा घाटी क्षेत्र से अफीम,
और कोरोमंडल तट क्षेत्र से चावल, हीरे और दास, ये चीजें यहां निर्यात की जाती थी। और ये सारा माल कहाँ जाता था? ये सारा माल बटेविया को जाता था। बटेविया को जाने के बाद वहां एकत्र होता था और फिर ये विभिन्न देशों में यहां से निर्यात करके वो अपना माल कमाते थे। कौन करते थे? डच करते थे। मतलब पुर्तगालियों के बाद डचों ने अपने आप को पूरी तरह स्थापित कर लिया था और अंग्रेजों का उतना वर्चस्व इस समय नहीं था। डच, एक प्रकार से देखा जाए तो डच पुर्तगाली शुरुआत में 16वीं शताब्दी में थे, लेकिन 17वीं शताब्दी में डचों का वर्चस्व था। 18वीं शताब्दी से अंग्रेजों हो जाएगा। तो इस तरह से डचों ने अपना विभिन्न स्थानों पर अपना माल जो है ये यहाँ विभिन्न स्थानों से माल भेजते थे और यहीं से इनका माल आता जाता रहता था। इस तरह से डचों ने बहुत सारी अपनी फैक्ट्रियां भारत में स्थापित कर ली। तो आइए, कहाँ कहाँ इन्होंने अपनी फैक्ट्री स्थापित की डचों ने? तो सबसे पहले डचों की फैक्ट्रियां, ठीक है, कहाँ कहाँ स्थापित हुई? डचों की जो फैक्ट्रियां स्थापित हुई, थोड़ा जिनको हम सीक्वेंस लिख देंगे आपको, हम 1627 में, 1627 में पिपली, पिपली ये उड़ीसा में है। इसी तरह से 1627 में पिपली, 1639 में गोवा, 1639 में गोवा, इसके साथ 1639 में गोवा, 1641 में, 1641 में मलक्का, 1641 में मलक्का, और कौन सा है? मलक्का, विमलीपट्टनम, दो स्थानों पर, मलक्का और विमलीपट्टनम, ये हो गया। फिर उसके बाद 1645 में कारीकल, 1645 में कारीकल, 1653 में चिंसुरा, 1653 में चिंसुरा, और 1653 में चिंसुरा, और उसके बाद 1658 में, 1658 में कासिम बाजार, कासिम बाजार श्रीलंका, और कौन सा है? श्रीलंका, उसके बाद श्रीलंका, बालासोर, पटना, नेगापट्टम, बालासोर पटना और नेगापट्टम, ये कहाँ कहाँ? कासिम बाजार, श्रीलंका, बालासोर, पटना, नेगापट्टम, ये कब की है? 1658। और इसके बाद है आपका 1660 में गोलकुंडा, 1660 में गोलकुंडा, गोलकुंडा, 1663 में कोचीन, 1663 में कोचीन। तो ये आपकी फैक्ट्रियां, एक बार फिर से इनको ध्यान दें, मैंने कहा 1627 में पिपली, 1639 में गोवा, 1641 में मलक्का विमलीपट्टनम, 1645 में कारीकल, 1653 में चिंसुरा, 1658 में कासिम बाजार, श्रीलंका, बालासोर, पटना, नेगापट्टनम, 1660 में गोलकुंडा, 1663 में कोचीन। ये फैक्ट्रियां जो हैं इनकी स्थापित हुई, अन्य स्थानों पर इनकी फैक्ट्री स्थापित, और इस तरह से जो डच थे वो अपना व्यापार धीरे धीरे भारत और अन्य देशों में बढ़ा रहे थे। आइए आगे क्या होता है फिर। सोलह सौ छियासी में औरंगजेब ने ने गोलकुंडा पर अधिकार कर लिया। आपको मालूम होगा गोलकुंडा पर अधिकार हो गया था, ठीक है? तो जब गोलकुंडा पर 1686 में औरंगजेब का अधिकार हो गया तो डचों के व्यापार में कमी आने लगी। कितने परसेंट कमी आई? डचों के व्यापार
धचों के व्यापार में कमी आई, कितना परसेंट आई, कहां पर, गोलकुंडा के, गोलकुंडा क्षेत्र के इनके व्यापार में कमी आने लगी। कितनी कमी आई डच व्यापार में, 1/5 भाग। और 1/5 भाग का मतलब कितना हुआ, 20%। क्यों भाई 20% होगा ना, 5 दूनी 10 यानी 20 आ गया, यानी इनके व्यापार में लगभग 20% की कमी होने लगी। जब व्यापार में इनके कमी होने लगी, जहां से इनका पूलीकट इनका मुख्यालय भारत का था, तो इन लोगों ने अपना मुख्यालय भारत से हटा करके, इन्होंने अपना मुख्यालय भारत से हटा करके नेगापट्टनम स्थापित कर लिया। कहां पर, इनकी इनका पूलीकट से, याद कर लीजिएगा, पूलीकट से मुख्यालय, पूलीकट से मुख्यालय हटाकर नेगापट्टनम में स्थापित कर लिया। ये भी साउथ में ही है, लेकिन वो इलाके से हट करके। तो इस तरह से इन्होंने अपनी फैक्ट्री, अपनी जो है मुख्यालय कहाँ हो गया, नेगापट्टनम में। नेगापट्टनम में इनको अपनी जो मुख्यालय जो इन्होंने अपना स्थापित किया था, वो शायद 1699 में था। कब स्थापित किया था इन्होंने मुख्यालय, 1690, ये कब स्थापित हुआ, 1690 में इनका मुख्यालय स्थापित हो गया था। तो इस तरह से डच व्यापार कर रहे थे। थोड़ा सा पीछे फिर आते हैं, अभी तक मैंने डच और पुर्तगालियों का संबंध बताया था, अब मैं बता रहा हूं डच और अंग्रेजों का संबंध। ठीक है, डच और अंग्रेजों का संबंध, थोड़ा सा फिर हम लोग पीछे फ्लैशबैक में चलते हैं। क्या है, मैंने आपको बताया था कि 1604 में डच और पुर्तगालियों के बीच में एक युद्ध हुआ था, उस युद्ध का नाम था अम्बोयना का युद्ध। अब आइए 1605, 1605 में अम्बोयना का सेकेंड युद्ध हुआ। किसके बीच में हुआ, डच और अंग्रेज के बीच में। अम्बोयना का सेकेंड युद्ध हुआ डच और अंग्रेज के बीच में, जिसमें डचों ने अंग्रेजों को पराजित कर दिया। तो डच भाग करके इंग्लैंड चले जाते हैं, और फिर इंग्लैंड से वो डच कर रहे हैं, अंग्रेज भाग करके इंग्लैंड चले जाते हैं, फिर वो बाद में अपने आप को स्थापित करके 1608 में अंग्रेज फिर आते हैं, तो वो आपको हम अगली वीडियो में बताएंगे। डच विजित हो गए, फिर 1608 में अंग्रेज भी भारत आ गए, फिर एक बार इन लोग का युद्ध हुआ 1616 में, सॉरी 1618 में। 1618 में डच और अंग्रेजों के बीच युद्ध हुआ। जो 1618 में डच और अंग्रेजों के बीच में बहुत जबरदस्त युद्ध हुआ था, इतना जबरदस्त युद्ध हुआ था कि इस पर विदेशी, डच मतलब हॉलैंड की सरकार, और हॉलैंड की सरकार और इंग्लैंड की सरकार दोनों के बीच में इसमें हस्तक्षेप करना पड़ा, और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अम्बोयना की संधि हो गई। ठीक है, 1618 में दोनों के बीच में अम्बोयना की संधि हुई कि अब दोनों आपस में व्यापार करेंगे, लेकिन एक दूसरे से युद्ध में लड़ेंगे नहीं। लेकिन डच हजम नहीं कर पा रहा था कि अंग्रेज कैसे अपना व्यापार बढ़ा रहे हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं लोग। सोलह सौ तेईस में डचों ने कई अंग्रेजों को मार डाला। कहा कि वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की संधि की वो उल्लंघन कर रहे हैं, इसीलिए 1623 को
अम्बोयना, अम्बोयना हत्याकांड हुआ, अम्बोयना हत्याकांड हुआ जिसमें डचों ने अंग्रेजों को मारा था। अंग्रेज भी बेचारे चुप बैठ गए। फिर एक बार 1628 में डच और अंग्रेज के बीच हुआ, अंग्रेज फिर चुप बैठ गए क्योंकि वो कमजोर थे। लेकिन अंग्रेजों ने चाल चली कि वो मुगलों से वो संपर्क करके वो अपने को शक्तिशाली करने लगे और बंगाल पर भी धीरे धीरे हस्तक्षेप करने लगे। धीरे 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 इन लोगों ने आते आते इन लोगों ने फिर प्लासी का युद्ध, मैं आपको जानते हैं प्लासी का युद्ध 1757 का हुआ। इस युद्ध में अंग्रेजों ने बंगाल पर एकाधिकार कर लिया और इसके बाद जब ये शक्तिशाली हो गए तो कहा अच्छा अब मैं डचों को देखता हूं। तो डच और अंग्रेजों के बीच में आखिरी जो युद्ध हुआ है 1759 में, ठीक है। सत्रह सौ उनसठ में बेदरा का युद्ध किसके बीच में हुआ? डच और अंग्रेज, डच कंपनी और ईस्ट इंडिया कंपनी और नीदरलैंड वाली कंपनी, जिसमें डच तो विजयी हुए और सॉरी अंग्रेज विजयी हुए, डच मारे गए यानी डच पराजित हुए। तो 1759 के बाद डच जो है भारत से जाना शुरू कर दिए थे, अपना माल बेच बेच करके जा रहे थे। और 1759 के बाद डच यहां से चले गए, माल तो अपना धीरे धीरे बेचते रहे लेकिन फिर ये भारत से यहां चले गए। तो 1759 में ये लोग भारत से चले गए थे। तो ये जाने वाली ये दूसरी कंपनी थी। पहली कंपनी डेनिश थी जो 1745 में गई, जो वापस यहां से गई थी 1745 में, डेनिश यानी डेनिश चली गई थी, भारत से चली गई। और 1769 में डच चले गए। और इस तरह से अब इसके बाद आएगा जो अगला वीडियो बनेगा, यानी अगला जो लेक्चर आएगा वो लेक्चर रहेगा ईस्ट इंडिया कंपनी यानी अंग्रेज। तो चलिए दोस्तों, ये मैंने आज आपको डचों के बारे में पूरी जानकारी दे दी कि डच कैसे कैसे भारत में आए। याद रखिएगा वस्त्रों का निर्यात जो है डचों ने ही भारत से शुरुआत की थी, ठीक है। किसी को कुछ पूछना हो तो मुझे कमेंट कर सकता है और अपनी बात कह सकता है, मैं खोल दे रहा हूं, ठीक है। अब अपनी कोई बात जो कहना मुझे बताए, ठीक है। जय हिंद।